आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला स्थित खरगापुर थाना क्षेत्र में एक खेत के कुएं में मां और उसके तीन बेटों के शव मिले हैं। यह मां अपने तीन बच्चों के साथ एक दिन पूर्व रविवार को लापता हुई थी। तलाश के दौरान रविवार को ही रात को पति ने गांव के पास कुएं में ही पत्नी का शव देखा। सोमवार की सुबह खरगापुर और बलदेवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कुएं से बाहर निकलवाया है। बच्चों की उम्र 1 से 6 साल के बीच की है। पुलिस ने बताया कि भेलसी गांव निवासी भारतीय कुशवाहा रविवार की सुबह अपने बेटे ब्रज गोपाल उम्र 6 वर्ष, हरिचंद्र 3 वर्ष और आकाश 1 वर्ष को लेकर घर से किसी को बिना बताए बगैर कहीं चली गई थी। वह शाम तक घर नहीं लौटी तो पति नंद किशोर ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इस पर रविवार की रात को ही बलदेवगढ़ थाना पहुंचकर पति ने पत्नी और बच्चों के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया गया कि रात के समय जब पति अपनी पत्नी और बेटों की तलाश कर रहा था, तभी रात तकरीबन 2 बजे गांव के पास कुएं में पति नंद किशोर ने झांक कर देखा तो उसे पानी के ऊपर शव नजर आया। शव देख नंद किशोर थाने पहुंचा और मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आज सुबह बलदेवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खरगापुर थाना पुलिस को बुलाकर पहले कुएं से महिला का शव निकलवाया, जिसके बाद सर्चिंग कर एक एक कर तीनों बेटों के शव बरामद किए गए। बलदेवगढ़ थाना प्रभारी अमित साहू ने बताया कि घर से लापता महिला और उसके तीन बेटों के शव कुएं में मिले हैं। घटना स्थल खरगापुर थाने का है, जिसकी जांच खरगापुर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। जांच के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।